Students, in the last video we have discussed about the cell and the cell theory. Now in this video we will talk about the type of organisms on the basis of number of cell or the complexity of the cell structure. So firstly we will talk about the type of organism on the basis of number of cells. So as you can see that on the basis of number of cell, organism can be of two types, unicellular as well as multicellular. So class, the name unicellular itself indicates that uni plus cellular, and the word uni means single. What is the meaning of uni? This is single, yani single cellular. That means the organism which is made up of single cell are known as unicellular, while multi means many. That means the organism which are made up of multiple cells are known as multicellular organism. So I have discussed the basic difference between the unicellular and multicellular organism so that you can get this concept very easily. आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ डिफरेंस फॉर्म में इसको मैंशन किया. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर से, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं. अब देखिए पहला पॉइंट ही क्या है, यही द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. और मल्टी में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स. हमने ये नाम ही देख लिया है कि इनका मतलब ही क्या है. फिर अब उसके बाद देखिए एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, तो ऑब्वियसली एक ही सिंगल सेल ही क्या करेगी, सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी. भाई उसके पास और कोई सेल ही नहीं है, तो फिर वो उसके पास काम करने के लिए एक ही सेल होगी और वही सेल क्या करेगी, सारी की सारी उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी. लाइक अगर उसको खाना खाना है, इंजेक्शन करना है, डाइजेशन करना है, इजेक्शन करना, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है सब कौन करेगी, सिंगल सेल करेगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. While multicellular organism they have many cells, तो life activities भी कौन करेगा, many cells life activities भी कौन perform करेगा, multiple cells मिलजुल कर क्या करती हैं, life activities perform करती हैं. अब देखिए यहाँ पर एक ही cell है, तो comparatively जो size होता है उस single cell का बड़ा होता है, जबकि unicellular cells की size थोड़ा सा छोटा होता है. इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. क्लास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कि बॉडी में किस तरह से सेल का अरेंजमेंट है, किस तरह से आपकी बॉडी में अरेंजमेंट है और कौन से लेवल पे अरेंजमेंट है, दैट इज़ अ लेवल. तो लेवल क्या हो सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले क्या होती है सेल, सेल के ग्रुप से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है क्लास ऑर्गन. जब ऑर्गन का ग्रुप बनता है तो क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम. तो क्लास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकता है, इधर सेल हो सकता है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर उन्होंने ग्रुप बना लिया और क्या बना दिया उन्होंने टिश्यू, या फिर टिश्यू ने इकट्ठा होकर किसी में क्या बना दिया ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, सेल हो सकती है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो अब आप खुद सोचिए, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मतलब उसके पास तो एक ही सेल है, तो फिर उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिर्फ सेलुलर लेवल. भाई सेल इकट्ठी होकर ग्रुप कैसे बनाएंगे टिश्यू के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर. व्हाइल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, बहुत सारी सेल है, तो मे बी उनकी सेल ने इकट्ठा होकर क्या बनाया है टिश्यू, या फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाए, या फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकता है, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लास उसके बाद आता है अ टर्म डिवीजन ऑफ लेबर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन मतलब बंटवारा, लेबर मतलब वर्क, यानी काम का
बंटवारा। अब देखो एक ही इंसान है अगर मेरे पास काम करने के लिए, मैं काम का बंटवारा कर सकती हूँ? नहीं ना। तो इसी तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी एक ही सेल है, तो वहाँ काम का बंटवारा होगा? नहीं। तो फिर डिविजन ऑफ लेबर यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि मल्टीसेलुलर में डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। सो दिस ऑल वर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लास इसके बाद आते हैं हम लोग साइज एंड शेप ऑफ द सेल के ऊपर। तो देखिए क्लास, जो अब इतनी सारी सेल्स होती हैं, सब सेल्स का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। तो अब साइज और सेल का साइज और शेप भी किस बात पर डिपेंड करता है? उनके फंक्शन के ऊपर। साइज एंड शेप ऑफ द सेल इज डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग सेल का साइज होता है और उसकी शेप होती है। क्लास सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? PPLO। अदर नेम क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो क्लास PPLO इज आर स्मॉलेस्ट सेल एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। दैट इज द लार्जेस्ट सेल। एंड द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? हमारी नर्व सेल, जो कहाँ होती है? हमारे नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में होती है, यानी हमारे ब्रेन में होती है। अब ब्रेन में तो बहुत दूर दूर से मैसेज कैरी करने होते हैं, इसीलिए लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? हमारी नर्व सेल।